दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि चेन्नई इस बार IPL की चैंपियन बने तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। IPL सीजन 12 में चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बता दें कि फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला खेला गया, जहां चेन्नई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की है। मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को जीत के लिए 148 का लक्ष्य दिया। जवाब में चेन्नई ने 19.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुकाबले में चेन्नई की ओर सबसे ज्यादा रन शेन वॉटसन ने बनाए। इसके अलावा केदार 34 रन, सुरेश रैना 30 और अंबाती राय अड्डू ने 5 रन बनाए। यही नहीं, धोनी 32 नाबाद और वेन ब्रावो 4 नाबाद। बता दें, दिल्ली के लिए अमित मिश्रा ने 2 जबकि ईशांत और रबाडा ने 1 से 1 विकेट लिया। बता दें कि इससे पहले दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 147 का स्कोर खड़ा किया है। दिल्ली के लिए धवन 51 ने सर्वाधिक रन बनाए। वहीं इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने 24 का योगदान दिया। धवन और शॉ के बीच 36 रनों की साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली को मजबूती दी। वैसे तो पृथ्वी शॉ मुकाबले शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पर वे अचानक अपनी कीमती विकेट गंवा बैठे। श्रेयस अय्यर 18 रन, ऋषभ पंत 25 रन भी सस्ते में आउट हुए। चेन्नई के लिए सर्वाधिक 3 विकेट वेन ब्रावो ने लिए। इसके अलावा इमरान ताहिर, दीपक चाहर और जडेजा एक 1 विकेट चटकाया।